चलो रोल। ओके सो फर्स्टली कांग्रेचुलेशन, द सॉन्ग इज लुकिंग रियली गुड। थैंक यू। व्हाट डू वांट टू से अबाउट द सॉन्ग? इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय सारेगामा एंड इट्स सॉन्ग बाय यासिर देसाई जो मेरे बहुत फेवरेट सिंगर्स में से है। बहुत प्यारा गाया है। कुणाल वर्मा साहब ने लिखा है। And I think you know जा रहे हो is more about like दिल टूटने का थोड़ा टकरार and प्यार and मुझे लगता है ऐसे songs बहुत ज़्यादा चलते हैं। We are very happy, बहुत ही amazing experience था। मोहसिन और मैं पहली बार set पे ही मिले, ये हमारा पहला collaboration है ना। I'm sure आगे बहुत होगा because we loved working with each other and the song is doing great, बहुत ही अच्छे reviews already आ रहे हैं। So very happy about जा रहे हो and I'm sure आप लोगों ने देखा है। So you guys have to tell us कि song कैसा लगा। हाँ आप लोगों ने देखा है ना? Yes, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। And thank you. What kind of response you guys are getting? अभी तक मैं response नहीं देख पा रहा हूँ। मैं जब से गाना launch हुआ हम यहीं पर हैं। We making reels with all the influencers and with each other. एक्चुअली सॉन्ग का रिस्पॉन्स मुझे लग रहा है लोगों को बहुत, सबसे पहले तो बहुत प्यारे लग रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छे लग रहे हैं हम लोग का परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है। तो यू नो जब एज एन एक्टर हम लोग को ऐसा फीडबैक आता है इट रियली मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो आई एम ग्लैड कि हम लोग एज एन एक्टर भी अच्छे दिख रहे हैं। सॉन्ग बहुत प्यारा है या एंड स्पेशली यू नो द वे इट्स रिटन बहुत ही ब्यूटीफुल है, उतना ही खूबसूरती से शूट हुआ है। सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड। Okay, so as you have not seen the response, I would like to tell you few response. The first response that came up was the acting. जो भी आप act कर रहे हो, you are killing it. So how would you react it? I take it up as an actor. जब वो क्या होता है, सिर्फ दो दिन होते हैं आपके पास, preparation ज़्यादा होता नहीं उस वक्त. But you take it up as a short film, जहाँ पे आपके dialogues नहीं है, there are no written dialogues, but there's a song going behind, so that kind of helps you. Of course, यासिर देसाई साहब की आवाज और कुणाल वर्मा साहब की राइटिंग होती है साथ में, तो वो पीछे चल रहा होता है। And I think बहुत बहुत important होता है जब आपको एक song में, इसमें मेरे साथ एक singer नहीं थे, एक actor थे, तो जब आपको एक actor आपके opposite मिलते हैं, बहुत कुछ है जो आप कर पाते हैं। हम लोग जानते नहीं थे, but luckily मोहसिन is very professional, he's a very good actor, and हमारा introduction and thank you, introduction हमारा बहुत ही funny हुआ था, actually गोद में introduction हुआ था। The first shot was कि हम लोग झूले वाला एक जो shot है, I think that was. But we were like just clicked from that minute and बहुत ही मजा आया काम करने में and it was just amazing यार, बहुत मजा आता है जब लोग अच्छे हों आपके साथ काम करें। And our directors, yes, who did a beautiful job, brilliant because जब आप देखोगे तो वो continuous past present जो चल रहा है, yeah, तो हमने वो वैसे ही शूट किया है, इट्स गॉन लीनियर, उसका जो शूटिंग है वो लीनियर ही हुआ है। सो हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर्स। हमेशा यूजुअली लड़के बेवफा होते हैं मेरे गानों में, हमेशा वो मेरा दिल तोड़ते हैं, इस बार मैंने दिल तोड़ा पहली बार, मुझे मजा नहीं आया दिल तोड़ के, बट आई होप सॉन्ग अच्छा लग रहा है। या बट एंड द अदर गाय हु वाज आल्सो अ गुड फ्रेंड, या या आई थिंक उसमें एक शॉट है जो जो डायरेक्टर प्ले करते हैं और वो मेरे शो में विष्णु प्ले करते थे मेरे भाई, तो बड़ा फनी था वो मोमेंट हमारे लिए क्योंकि हम लोग भाई बहन प्ले करते थे, हम लोगों ने एक वो शॉट दिया, बट इट्स नाइस, मजा आया। चीयर्स टू दैट गाइस, ही इज डन अ ब्रिलियंट जॉब। या या And the sign of Korean, would you like to say something about that? Is cute, yeah. Yes, जो हमने पहली बार से ऐसा ऐसा love you तो बहुत करते थे, but this is something different that we explored. This is I love you. Yes. Okay. Okay. To all, to all you guys, it's one, I love you. Okay, so ये पहली बार तब तक ये एक छुट्टी सुंदरता भी love हो गया. Love हो गया है. So that's a Korean heart for you guys. ओके okay, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा जो भी आपका गाना रहता है मिलियन क्रॉस तो होता ही है, 100 मिलियन 50 मिलियन जी, लकीली हाँ, मैं सॉन्ग्स के लिए लकी रहती हूँ कि सारे सॉन्ग मेरे 100 मिलियन क्रॉस होते हैं एंड आई होप ये सॉन्ग भी मेरा 100 मिलियन क्या 200 300 बहुत सारे मिलियन क्रॉस। तो किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला है? मुझे सबको, एक तो मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ इस सॉन्ग में, आई एम लाइक फिंगर क्रॉस, ये मुझे बार बार ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, हमारी जोड़ी लोगों को ऑन स्क्रीन बहुत अच्छी लग रही है, तो आई थिंक दिस इज वन रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग, दे आई एम लाइक इस बार आपने भी दिल तोड़ दिया मैम, तो ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, आई एम लाइक यार अगर दिल तोड़ के गाना हिट हो जाए तो आई डोंट माइंड फिर से दिल तोड़ दूंगी। नहीं नहीं, पर बहुत ही प्यारा लगा हाँ मैं, बट थैंक यू आपने वो एक रिस्पॉन्स बताया, and shall I will go and check the comments, so please guys jo gaane dekh rahe hain sabse pehle to please subscribe kijiye sarega maa ko, please comment kijiye because we are reading your comments, yeah, hum dekh rahe hain aapne kya likha hai, we will respond to those yes. comments because we want to know what you liked about the song, which part did you like more, what yeah we would love to know like your reviews, so please keep watching just keep watching keep
keep watching us, sir. Keep watching Sarega. And what do you want to say about Kunal Verma? Oh, brilliant. मेरा तीसरा या चौथा गाना उनके साथ और तो मुझे वही लगता है वो ऐसे घर पे लिख रहे होते तो आई होप अगली बार वो मुझे इमेजिन करके लिखा है कि हाँ चले यार मोहसिन अगर कर लेगा तो ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग. वो आए भी थे सेट पर, उनकी फैमिली भी आई थी गुनाल साहब की. सो और बहुत खूबसूरत लाइंस उन्होंने हमें दिए. स्पेशली मुझे बहुत अच्छी लगी जैसे गाना एंड होता है जब वो कहते हैं सही दिल दुखाया था अनजाने में मुझे मशहूर कर दिया जमाने में. आई थिंक ये लाइन मेरे लिए बहुत स्पेशल है एंड मैं काफी कनेक्ट हो पाती हूँ उससे. एंड आई लव लव ऑल ऑल लाइक एक एक वर्ड इस सॉन्ग का. सो हैट्स ऑफ सर. वुड यू जो सनसेट का है जहाँ पर आप दैट सीन कुछ अगर आप एक्सपीरियंस लास्ट मिनट जो सनसेट हो रहा था लास्ट मिनट हो रहा था दी we had to catch the sun right there mud mein and it was a good experience. 5 minutes hai hamare paas mushkil se aur maine already kuch aur pehna hua tha 5 minutes.